बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। आई एम गुलिफ्रा एंड और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। अ कॉमन क्वेश्चन इज दैट वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। We can achieve career opportunity with the help of English language. It is global language, or we can enhance our knowledge with this. English is a global language. यह जैसा कि आप सब जानते हैं, studying English can help you in get a job. Learning English can help you meet new people. Many scientific papers are written in English. English is the language of the digital world. English is the language of the media. English is a lot. Traveling is a lot easier with a good knowledge of English. English is one of the most important languages for business. With English, you can study all over the world. English gives you access to multiple cultures. It improves your brain power with the knowledge that you already have learned. We learn and know other cultures. People who use many languages in their jobs earn around 8% more to communicate with other people. जी, हम दुनिया में मतलब कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पर जब हम मतलब मिलते हैं किसी नॉन नेटिव के साथ भी, तो हमें इंग्लिश में ही जो है कम्युनिकेट जो है हमें करना पड़ता है. इफ एनी वन आस्क टू यू दैट वाई डू यू लर्न इंग्लिश, यू कैन से इन द रिस्पॉन्स दैट I want to speak in English. I have to study it at school. It. I want to use English in my future job. I want to understand English songs. I want to use computer programs in English. I want to go to Britain or the USA someday. I want to travel and talk to people in English. My parents told me since childhood learning English can have bright future. How can you do this? Yes, you can do this through the online English speaking courses. First of all, you will have to be disagree with the statement that I can't do it. आपको सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो. यू कैन डू विच यू वॉन्ट. सक्सेसफुल ऑनलाइन अकेडमी इन एक्शन, अ बेस्ट एंड यूनिक अकेडमी, एजुकेयर गर्ल साइंस अकेडमी. यू कैन कंटेक्ट ऑन द नंबर विच यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर चीज़ का जो है डेफिनेटली इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है. बट इन द इंग्लिश लैंग्वेज द इनपुट इज़ लिसनिंग एंड रीडिंग एंड आउटपुट ऑफ दिस स्पीकिंग एंड राइटिंग. जितनी आपकी लिसनिंग अच्छी होगी उतनी ही आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी. जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी उसका रिस्पॉन्स में उतनी ही आपकी राइटिंग अच्छी होगी. हाँ जी. How to learn English language. Be realistic about your English learning goals. Do not expect your English is to be as good as that of a native speaker soon after taking up the language. It's take time. ये ना कहें कि एक ही दिन में जो है आपको इस पर अबूर हासिल हो जाएगा. ये एक टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस है. हम आहिस्ता से आसानी से ही मुश्किल की तरफ जा सकते हैं. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. Mistakes are the part of learning. They help you know where you need to make improvements to become a better English speaker. Use simple sentences at first, then progresses to more complex sentences. You have to start from somewhere. Do not struggle to master the complex sentences parts until you have mastered the basics. हम जब कुछ भी जो है ज़िंदगी में कोई काम भी शुरू करते हैं, मुश्किल से आसानी की तरफ नहीं आ सकते. हमें हमेशा पहले जो है छोटे से शुरू करना पड़ता है, और आसानी से ही हम मुश्किल की तरफ जा सकते हैं, और छोटे से ही बड़े की तरफ हमें सफ़र करना पड़ता है. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. वंस यू लर्न यू टेन टू मेक अ सर्टन मिस्टेक्स. वर्क ऑन गेटिंग राइट ऑफ इट एंड ओवर टाइम योर इंग्लिश विल इम्प्रूव कंसिडरेबली. ऑफ कोर्स बिकम पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन ग्रुप. अब जब तक इसको अपनी रूटीन में ऐड नहीं करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को, तब तक आपको इस पे अबूर हासिल नहीं हो सकता. दिस शुड इंक्रीज योर एक्सपोजर टू स्पोकन इंग्लिश एंड हेल्प यू हैव बेटर स्पीकिंग स्किल्स.